नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। जौनपुर में एक बार फिर दरोगा के गाली देने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला एफआईआर लिखवाने के लिए करीब 6 घंटे से थाने में बैठी थी। इतने में उसका बेटा वहां पहुंच गया। उसने दरोगा मनोज सिंह से एफआईआर न लिखने का कारण पूछा तो वह भड़क उठे। उन्होंने कहा कि भग यहाँ से, नहीं तो जूता से मारा। जब पीड़ित ने कहा कि वह इसकी शिकायत पीएमओ और डीएम से करेगा तो दरोगा कह रहे हैं कि जानत उसको कोई पकड़े है। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इस वीडियो को वायरल होने के बाद दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया है। यह पूरा वीडियो बक्सा थाना का बताया जा रहा है। वो दरअसल बक्सा थाना क्षेत्र के बबुरा गांव में 4 दिसंबर की रात 45 वर्षीय राजेंद्र प्रसाद यादव का शव फांसी से लटका हुआ मिला था। थाना अध्यक्ष दिव्य प्रकाश सिंह ने जांच पड़ताल के बाद शव को मोर्चरी में रखवा दिया। रविवार को पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक के बेटे आशीष यादव के मुताबिक राजेंद्र ने गांव के ही एक व्यक्ति को जमीन बेची थी। जमीन बेचने के बाद उन्हें पैसे नहीं मिले थे, इसी कारण से तनावग्रस्त होकर उन्होंने फांसी लगाकर जान दी। आशीष ने बताया कि 13 दिसंबर को पुलिस को तहरीर दी। 18 दिसंबर को पुलिस ने उसके घर आकर फिर से प्रार्थना पत्र लिया था। साथ ही अगले दिन थाने में भी बुलाया था। पीड़ित परिवार इंसाफ के लिए थाना पर पहुंचा तो उसे गाली खानी पड़ी, जो कि वीडियो में साफ दिख रहा है। जौनपुर की पुलिस गिरी को आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। शुरू से रिकॉर्डिंग है। कहे ही बनाए, बना लिए हैं। हाँ, बना लिए हैं, बना लिए। हमारे घर में भी लोग हैं, पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। पूरा सारा गलती, ये पूरा प्रूफ रखे हैं। तेरह तारीख से ये प्रूफ है, देख लीजिए, ये प्रूफ है। बताइए, जिसकी गलती वो घर पर बैठा है और आप मुझे यहाँ पे बोल रहे हो क्या कर रहे हो? मतलब आप एफआईआर क्यों नहीं लिख रहे हो? 8 घंटे हो गए, 9 बजे से बैठे हैं यहाँ पे, 9 बजे से बैठे हैं, समझे? जाहिद बोले तो समझ लेना, पूरी गलती है। बक्सा थाना, बक्सा थाना जौनपुर। अरे रिकॉर्डिंग है, हाँ ठीक है, बस बस। शुरू से रिकॉर्डिंग है, शुरू से रिकॉर्डिंग कर लिए हैं। कौन गाली दिया? मारा जूता से बहुत थोड़े। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा।